अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो मैं आ चुकी हूँ घर। मैं गई थी डी मार्ट, कुछ ज़्यादा ले नहीं सकी। एज विजुअल मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं होता मेरे लिए, तो मैं अकेले जाकर, मैंने उनके साथ ही गई थी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, उनको जाना था अपने काम पे, जॉब पर। तो मैंने बस थोड़ा सा ले कर आई। आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या लाई हूँ। रमज़ान की छोटी मोटी शॉपिंग जो इफ्तार के टाइम पे यूज़ हो या थोड़ा सा सहरी के टाइम पे यूज़ हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है टोस्ट की पैकेट, जो कि सहरी के टाइम चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है। और ये ऑयल है, ये है अमूल, एक्चुअली बेटली डिलिशियस अमूल। तो अमूल बटर जो थोड़ा सा ब्रेड पे स्लाइस पे लगा के खा सकते हैं। ये है मोहम्मद अली के टॉफीज, और ये है टैंग, जो कि इफ्तार में ठंडा ठंडा टैंग पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये है लेमन एंड ये है ऑरेंज। तो मैंने बस छोटी पैकेट ले लिया है, फिर जाऊंगी तो इंशाल्लाह लूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, जो भी हमारे पास हो। तो ये बाय वन गेट वन फ्री था, तो मैंने ले लिया, तो बहुत ही ये सस्ता पड़ा है, तो अच्छा है। मेयोनीज छोटा मोटू पैकेट। और ये है माश की दाल, उड़द की दाल, आप लोग क्या कहते हैं इसे। तो इसके भजिए, इसके वड़ा बहुत ही अच्छा बनता है, तो मैंने ये भी ले लिया। ये मोहम्मद अली के लिए चौकस लिया है, स्कूल जाते वक्त खा कर जाता है वो। ये है बेसन, जो भजिया, आलू की भजिया, प्याज की भजिया, जैसे पकोड़े बोलते हैं ना, आलू की पकोड़े, प्याज की पकोड़े। और ये तो दाल है, जो छोटा मोटा ये ना चीज़। ये है मेरा रूह अफ़ज़ा, इसके बिना मेरा तो इफ्तार होना मुश्किल है। मुझे मोहब्बत शरबत बहुत पसंद होता है, पता है ना आपको मोहब्बत शरबत किसे कहते हैं। जैसे कि मिल्क वाला जो शरबत होता है, जिसमें थोड़ा सा तरबूज भी कट करके डालते हैं, तो बहुत ही यम्मी लगता है। ये मैंने जस्ट मोहम्मद अली के लिए ये बॉटल ले लिया था, बहुत ही सस्ता आया ये बॉटल, ओनली 21 रुपीज़ में है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही सस्ता। तो डी मार्ट में बहुत अच्छी चीज़ें कम दामों में मिल जाती है। तो मेरा बस इतना ही है अभी के लिए, इंशाल्लाह फिर जाएंगे। तो ये था मेरा छोटी मोटी शॉपिंग। तो हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, ये भी बहुत ही है माशाल्लाह से। कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे इसमें, फिर इंशाल्लाह जाएंगे लेकर आएंगे जो ज़रूरत हो। तो ये बस इफ्तार के लिए थोड़ा सा भजिया वगैरह, शरबत वगैरह, और सहरी के लिए टोस्ट वगैरह और अमूल बटर, कभी दिल किया तो ये ना ब्रेड पे लगा के खा लिया। तो मेरा वैसे भी इफ्तार और सहरी ज़्यादा नहीं होता, सहरी तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता, मुझसे खाया नहीं जाता सुबह सुबह के वक्त, तो ठीक ही है इतना। तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह, इसी में अल्लाह ताला हमें रमज़ान में बहुत सी बरकतें दे देते हैं कि ख़त्म ही नहीं होती कोई चीज़। अगर हम थोड़ा सा भी खाना बनाते हैं तो आप लोगों को भी, आप लोग भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि ख़त्म नहीं होती ना, हमारा खाना रह जाता है फ्रिज में, और जो इफ्तार बनाते वो भी रह जाता है, काफ़ी चीज़ें हमारी रह जाती है, पूरा हम ख़त्म नहीं कर पाते। तो ये होता ही बरकतों वाला महीना है फ्रेंड्स, तो बरकतें तो होंगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटी मोटी रमज़ान की शॉपिंग का। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह रमज़ान शायद कल से हो या फिर परसों से, थर्सडे या फ्राइडे, आई डोंट नो, लेकिन यही 2 दिनों में है। आज सऊदी में हुआ है या नहीं पता नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।